नोट किए हैं कि नहीं किए, इंपॉर्टेंट डेज कौन से थे? डन। अच्छा जी, अब इसमें एक चीज मुझे बताओ कि ऑलमोस्ट मोस्टली जो सारे जो मैंने आप लोगों को लेक्चर के अंदर करवाए थे तो वही हमारे पास यहाँ है, तो इससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें से कोई आप लोगों को लगता है कि सर इस मंथ के अंदर ये वाला डे भी होना चाहिए था और आपने ऐड नहीं किया, तो हम उसको ऐड कर लेंगे बीच में। जैसे दो तीन हैं लेक्चर के अंदर नहीं थे, मैंने करंट अफेयर्स में करवाए हुए, तो वो मैंने यहाँ ऐड कर दिए। तो जनवरी के मंथ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए डे कौन सा है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डे है जो आपका, एक तो मार्टिन मार्टिन लूथर डे है। इसके हवाले से एग्जैक्टली सवाल नहीं पूछा जाता, इसका ये होता है कि ये आप लोगों का जौन सा है जनवरी जौन सा है उसका जो तीसरा मंडे होता है, ये जौन सा है आपका 15 बन जाएगा, 16 बनेगा, 17 बनेगा, 18 बनेगा, उस दिन ये आपका मार्टिन लूथर डे होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो वर्ल्ड एजुकेशन डे। तो वर्ल्ड एजुकेशन डे, कहीं आप लोगों को मैंने इसके आगे स्टार इसलिए लगाया कि कहीं मैंने आप लोगों को वर्ल्ड एजुकेशन डे क्या कहते हैं उसको 28 को तो नहीं लिखवाया हुआ, ये मैं नहीं लिखवाया हुआ, इसलिए मैंने इसको वो किया है। मुझे लग रहा था कि मैंने इसको 28 लिखवाया हुआ, इसलिए मैंने इसके आगे सितारा लगवाया हुआ। ठीक है, इसको क्या कर लो, इसको 24 कर लो, इसको क्या कर लो, 24 कर लो, इसको 24 कर लो, इसलिए मैंने इसके आगे दो हैं जिनके के अंदर थोड़ा सा इशू था, तो वो मैंने उनको क्या कर दिया, मैंने उनको स्टार लगाया था कि इसके अंदर जो आंसर है वो मिस्टेक है लेक्चर के अंदर। तो एक आपका वर्ड एजुकेशन डे, वर्ड एजुकेशन डे इसका जो आंसर है वो, अगर आपने वो ट्रिक अगर याद करना हो वो क्या था कि एक आपका एक खानदान है उसमें क्या कहते हैं छः, एक खानदान से ग्लोबल फैमिली डे, छः उसमें क्या है वार ऑर्फन्स हैं। ठीक है, वार ऑर्फन्स, तो यहाँ से और उसके बाद जो आंसर आगे एजुकेशन डे का भी साथ अगर ट्रिक कोई करना है तो कर लेना, ये इतना जनवरी में बहुत कम पूछा जाता है। अच्छा जी, फेब आ गया आपका, तो एक इसके अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट जो आंसर है ये मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, फेब के करंट अफेयर्स के अंदर करवाया था, लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये नहीं आपके पास था, तो ये इसको मैंने यहाँ पीडीएफ के अंदर ऐड कर दिया कि हमारे पास मदर लैंग्वेज डे जो है वो कब मनाया जाता है, 21 फेब जो है, 21 फेब को हमारे पास मदर लैंग्वेज डे जो है वो मनाया जाता है। और कश्मीर डे के हवाले से पूछा जाता है, 5 फेब जो है ये आपका कश्मीर डे के तौर पर मनाया जाता है। तो इसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट है, डार्विन डे आपको मिल जाएगा लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आपने जो है मदर लैंग्वेज डे को और कश्मीर डे जो है इसको आपने लाजमी याद रखना है, 5 और 21 जो है फेब के अंदर। ये टोटल जोन से है ना, भी जब आपका पेपर होना है कोई भी पेपर हो उससे पहले इस पीडीएफ को बस थोड़ा सा गौर से भी देख जाओगे तो आपको जोन सा है इसमें से एक सवाल लाजमी आ ही जाता है। मार्च हमारे पास इंपॉर्टेंट है, मार्च में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जी? 8 मार्च, 8 मार्च विमेन डे। ठीक है, आपको पता है जब विमेन डे होता है तो पाकिस्तान के अंदर उस दिन तूफान बरपा होता है, तो विमेन डे सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, 4 फेब कौन सा है आपका? ये कैंसर डे कर लो इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो यहाँ लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन इनमें से भी जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ, तो कैंसर डे लिख लो। एड्स डे पूछा जाता है, डायबिटीज डे पूछ लिया जाता है, अल्जाइमर का डे पूछा जाता है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ये दो तीन सवाल ये पूछे जाते हैं, तो इसको कर लो, कोई वो नहीं है, मतलब इतनी जब चीजें करोगे तो एक इसको भी कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, उसके बाद जो सा आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसका हवाले से भी रिसेंटली ये सवाल पूछा गया था आपका, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो सा है वो ब्लैक लाइफ मूवमेंट चल रही थी जिसकी वजह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का डे पूछा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट डे आपका 22 मार्च और 22 अप्रैल। ठीक है, तो वाटर डे जो सा वो होता है वो आपका 22 मार्च को होता है। ठीक है, और यहाँ 22 को आ जाए तो इसको ये क्या है आपका अर्थ डे होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों 22 याद रखने हैं। 22 अप्रैल जो सा है, 22 अप्रैल क्या है ये अर्थ डे है, और 22 मार्च क्या है ये आपका वाटर डे है, 22 मार्च आपका क्या है ये वाटर डे है, ये लाजमी आप लोगों ने याद रखना है, ये दोनों पूछे जाते हैं 22 वाले, एक 22 मार्च और दूसरा क्या है आपका 22 अप्रैल। उसके बाद जो सा है आपका इसमें टीबी डे, इसको देख लेना अगर करना होगा तो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी डिजीज के बारे में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। अप्रैल के अंदर अगर हम आ जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेल्थ डे, इसके अंदर वर्ल्ड हेल्थ डे जो सा ये आपका पूछा जाता है, और उसके अंदर इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑटिज्म वाला एक दफा ही पूछा गया था लेकिन इतनी ज्यादा पूछी नहीं जा सकती, तो इसमें से आप लोगों ज्यादा बाकी तो सारे कर लो लेकिन वर्ल्ड हेल्थ डे और अर्थ डे जो है इनको लाजमी आप लोगों ने ये आप लोगों को होना चाहिए, और मलेरिया डे भी, ये भी रिसेंटली भी पूछा गया था एफपीएससी के एक पेपर के अंदर मलेरिया डे। अच्छा, यहाँ एक चीज याद रखनी है, मैं इस पूरे को हाईलाइट कर देता हूँ, मंथ को मई को, जो मई का मैं करंट अफेयर करवा रहा था तो उसमें मैंने एक आपको चीज बताई थी, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे,
किसी को याद है ये चीज के नहीं याद कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ कौन सा है, और अगर किसी को एग्जैक्ट डेट नहीं भी याद तो वो डे कौन सा है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे कौन से मंथ के अंदर मनाया जाता है अवेयरनेस के हवाले से, किसी को अगर कोई मंथ जहन में आ रहा हो, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे अगर आप लोगों का कौन सा कोई किसी के मंथ में, अक्टूबर, बिल्कुल शाबाश, अक्टूबर में जो सा है, मेरे ख्याल में 10 अक्टूबर है आपका, अक्टूबर 10 ही होगा, अभी देख लेते हैं। हाँ मेंटल हेल्थ, ये देखें मेंटल हेल्थ डे अवेयरनेस डे 10 अक्टूबर, ये देखें ठीक है 10 अक्टूबर है आप लोगों का। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, जब भी डे की बात आएगी तो वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे जो है वो आपका 10 अक्टूबर है, लेकिन लेकिन जो आपका मई का महीना होता है जो अभी गुजरा है, तो उसमें मैंने बताया था कि इसको पूरे को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है और ये सवाल काफी दफा पूछा गया है इसके हवाले से, तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेबर डे इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों को ये पता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस फ्रीडम डे, तो प्रेस फ्रीडम डे इसके बारे में भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे की भी डेट को देख लेना, रेड क्रॉस डे की जो सी डेट है ये लेक्चर के अंदर मेरे ख्याल में कोई और थी, मेरे ख्याल में इसको देख लेना, 8 मई है, रेड क्रॉस डे या रेड क्रिसेंट डे, जो हेनरी ड्यूनांट साहब थे जिन्होंने रेड क्रॉस का जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बनाया था, उनकी बर्थ जो उनसे सालगिरह के ये दिन है 8 मई, उस दिन वर्ल्ड क्रॉस डे या वर्ल्ड क्या कहते हैं रेड क्रिसेंट डे जो सा है, जिसका आपका वो हेडक्वार्टर भी कहाँ है उसके अंदर, जिनेवा के अंदर, ठीक है। तो ये 8 मई को ये मनाया जाता है, इसकी उसमें करेक्शन कर लेना, इसके आगे मैंने स्टार लगाया हुआ है कि इसकी डेट जो थी वो गलत थी। दूसरा भी रिसेंटली नर्सेज डे, ये भी आपको करंट अफेयर्स के उसके अंदर करवाया था, 12 मई क्या है नर्सेज डे, और ये आपका लास्ट, ये भी आज अभी टैक्सेस बढ़े हैं इसके ऊपर तो इसको भी देख लेना, नो टोबाको डे, ठीक है, आपका जो टोबाको की जितनी प्रोडक्ट्स हैं आपकी, सिगरेट हो गई और डिफरेंट चीजें, तो उसके अगेंस्ट जो सा है वो 31 मई जो सा है ये मनाया जाता है। हाँ तो इसको 5 को इसको 8 कर लेना, इसमें ये दो मिस्टेक्स थी वो, इसलिए मैंने कहा कि इसके आगे मैंने स्टार लगाए हुए थे ताकि मुझसे ये मिस ना हो जाए, 8 मई, और दूसरा जो सा ऊपर मैंने आपको बताया एजुकेशन डे वाला। जून में आ जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट 5 जून आपका एनवायरमेंटल डे, इन्वायरमेंटल आपको पता है इन्वायरमेंट के हवाले से, क्लाइमेट चेंज इसके हवाले से बड़ी चीजें पूछी जाती हैं, ये चार तीन डेट्स आपको लाजमी आनी चाहिए, ये रिपीटेडली रिपीट होती हैं, एक आपको अभी 22 मार्च, फिर 22 अप्रैल, एक वाटर डे, एक अर्थ डे और तीसरा इन्वायरमेंट डे, ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी को एक को ही अर्थ डे समझ लेते हैं, उसे कोई इन्वायरमेंट डे समझ लेते हैं, तो इन्वायरमेंट डे जो है वो आपका क्या है 5 जून, वो क्या है आपका 5 जून, और रिसेंटली जो एक लेबर डे 1 मई क्या है इंटरनेशनल लेबर डे, लेकिन ये वाला जो है ये सवाल आपने याद रखना है, 12 जून ये क्या है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो सा है ये आप अभी क्या कहते हैं, जब अभी जून गुजरा है तो उसके अंदर आपके सारे ये प्राइम मिनिस्टर्स, आपके जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं ये सारे बड़े प्यारे प्यारे बयान दे रहे थे चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, तो ये 12 जून था उस वक्त, तो 12 जून का सवाल भी ये भी पूछा जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादातर आपका ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डोनर डे, ब्लड डोनर डे ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, एक ब्लड डोनर डे और दूसरा आप लोगों का वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, 17 जून भी लिख लेना, ये करंट अफेयर्स के अंदर भी करवाया था आप लोगों को, जिसमें बताया था कि पाकिस्तान जो सा है, पाकिस्तान उन मुल्कों में है जिनमें क्या है आने वाले सालों के अंदर ड्रॉट आएगा, तो जून के करंट अफेयर्स में इसीलिए मैंने आपको करवाया था कि उस वक्त आपका 17 जून था, तो इसके हवाले से शरीर रहमान साहिबा जो सी उन्होंने कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी, तो ये 17 जून ये भी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट नहीं कर रहा लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा देख लेना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ड्रग्स वाला भी बताया है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ जितने मंथ के मैंने यहाँ लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, जैसे ये मकसद नहीं है कि ओशन डे छोड़ दो, क्या कहते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज छोड़ दो, ये नहीं छोड़ना, कोई भी नहीं छोड़ना, ये जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ठीक है। रेफ्यूजीज नहीं, वो फिर उल्टा लिखवा दिया होगा, ब्लड डोनर डे जो उनसे 20 को लिखवा दिया होगा, रेफ्यूजीज 14 को लिखवा दिया होगा, इस तरह से लिखवा दिया होगा, उल्टा हो गया होगा ये, उल्टा 14 को ब्लड डोनर डे, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ब्लड डोनर डे कब है, ब्लड डोनर डे 14 जून ही है ब्लड डोनर डे, हाँ वो फिर वहां थोड़ा सा वो उल्टा मैंने लिखवा दिया होगा जल्दी के अंदर, ठीक है। तो ब्लड डोनर डे 14 है और 20 जो है वो आपका रेफ्यूजीज डे है, हाँ वो फिर उल्टा हो गया होगा, इसको चेंज कर लेना, इसलिए मैं कह रहा था ना कि कुछ वो उसमें वो होंगी वो मैं आपको करवा दूंगा। अच्छा जी, जुलाई आ गया जी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अभी आप लोगों को करवाया, मलाला डे ये भी, ये दोनों सवाल रिपीटेड है, और नेल्सन मंडेला डे, ये इसकी बर्थडे होती है भाई साहब की 18 जुलाई को, तो उस दिन जो सा नेल्सन मंडेला, जुलाई जुलाई के तीनों जो सा तीनों इंपॉर्टेंट है, और अभी 2022 के तीनों जो सा ये रिपीट हुए हैं, ये तीनों डेज जो हैं, तो ये जुलाई के जो सा ये तीनों आप लोगों ने इसको याद रखना है, खासतौर पर मलाला डे और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। उसके बाद अगस्त आ जाए तो
तो अगस्त का आपको अभी बताया था फर्स्ट वीक जो सा है वो ब्रेस्ट फीडिंग डे के तौर पर मनाया जाता है, जो 4 अगस्त जो सा ये इंटरनेशनली पाकिस्तान है, पाकिस्तान का योम शहदाय पुलिस मनाया जाता है, फिर योम इस्तेहसाल कश्मीर का जो सा ये मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान का माइनॉरिटी डे जो सा है वो क्या है, 11 अगस्त को है, ठीक है। उसके बाद जो आपके क्या कहते हैं यूथ डे 12 अगस्त, ये भी FPSC के अंदर रिपीट हुआ था सवाल, और ये जो सा ये इसके अगस्त के अंदर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्या है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या जो सा आपकी जो स्लेवरी जो सी उसको अबॉलिश किया गया था वो 23 अगस्त उसको मनाया जाता है, तो इसको भी देख लेना स्लेवरी के हवाले से, अगर मे भी मेरे नज़र से नहीं गुजरा लेकिन मे भी ये भी जो सा आपका सवाल ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, तो स्लेवरी के हवाले से है तो इसको भी देख लेना थोड़ा सा। सेप्टेम्बर की बात करें तो लिटरेसी डे सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। इसमें अब वो बाकी देख लेना आप, जैसे 14 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, कोई और डेट है, जैसे मैंने आपको बताया था 15 अगस्त को अभी हम क्या देख रहे थे वो तालिबान का, तालिबान ने जो टेक ओवर किया था, वो इस तरह की डेट्स जो सी हैं, इनको आप लोग अब खुद करंट अफेयर्स के हवाले से अपना अपडेट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें ये वो हैं कि जो आपके फिक्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन है, यूनेस्को वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन जिन डेज को सेलिब्रेट करती हैं, ये वो डेज हैं हमारे पास जिनको थोड़ा सा याद करने में हमें मुश्किल होती है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एड डे आ गया, वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे, ये आपको जो सा एवरी डे साइंस के अंदर ये चीज़ पता लगेगी। नहीं ये देख लो, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे। तो वर्ल्ड ओजोन डे जो सा आपका एक मॉन्ट्रियल जो सा है वो प्रोटोकॉल साइन किया गया था, आपकी जो ओजोन डिप्लेशन हो रही थी तो उसकी मुनासबत से जो सा है जो आपका ओजोन होल हो गया था, तो उसकी मुनासबत से 16 सितंबर जो सा इसको ओजोन डे के तौर पर मनाया जाता है। उसके बाद जो सा है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है, और अल्जाइमर का जो सा है ये आपकी जो डिजीज होती है वो भी इसी दिन मनाया जाता है। टूरिज्म डे पाकिस्तान के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो ज्यादा पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि टूरिज्म पाकिस्तान जो सा है फर्स्ट एड, एक सेकेंड लेट मी चेक, असल में फर्स्ट एड डे मैं आपको एंड हाँ अच्छा इसको इसको सुन लो एक सेकंड, जो फर्स्ट एड डे है ना वो मैंने सही लिखवाया हुआ है, लेकिन इसको याद ना करो, छोड़ दो। क्यों? जो फर्स्ट एड डे है ना ये आपके सितंबर के दूसरे हफ्ते में मनाया जाता है, जो हफ्ते का दिन होता है ना सैटरडे का आपका हफ्ते का दिन होता है, तो ये उसमें मनाया जाता है, तो इसका कोई एग्जैक्ट फिक्स पीरियड नहीं है। ये जो वर्ड फर्स्ट एड डे है ना ये आपका सितंबर के दूसरे हफ्ते के हफ्ते वाले दिन, मतलब सेकंड जो वीक स्टार्ट होगा उसमें जो सैटरडे का दिन होगा उस दिन इसके आगे लिख लेना बेशक। तो इसलिए जो सा मैंने वो 11 सितंबर लिखवाया, कहीं आपको 10 भी मिलेगा इस साल जो सा इस साल आपका 10 सितंबर को आएगा, तो इसलिए यहाँ ये मिस्टेक, इसको बेशक स्किप कर दो। इस तरह के सवाल वैसे पूछे नहीं जाते, तो वो मेरे ख्याल में मैं इसको चेंज करना भूल गया हूँगा। तो वो आपका जैसे नेल्सन मंडेला डे मैंने आपको बताया ना अभी, तो इसी तरह जो सा कुछ डेज होते हैं वो फिक्स नहीं होते कि फलाने फलाने मंथ के, जैसे अमरीकी जो इलेक्शन होते हैं वो आपके नवंबर के अंदर जो सा उनका पहला वो आता है हफ्ता, उसमें जो सा है वो मंडे का सिस्टम, मंडे पहले मंडे छोड़ के ट्यूसडे, इस तरह से जो इलेक्शन वो होता है ना सिस्टम उनका भी, तो ये इस तरह के कुछ डेज होते हैं, इनको स्किप कर दो, इनका कोई इतना इशू नहीं है आप, ठीक है। अक्टूबर अगेन वही आ गया, इसमें आपका मेंटल हेल्थ डे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये याद ये भी रिसेंटली पूछा गया था, 2 अक्टूबर, ये 2 अक्टूबर किस वजह से पूछा गया था, जो गांधी जी हैं, गांधी जी की ये क्या है सालगिरह है, गांधी जी की ये क्या है सालगिरह है, ठीक है, तो उनकी वजह से इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। ये सवाल ये भी पूछा गया था कि नॉन वायलेंस डे जो सा है किस लीडर की उसकी क्या कहते हैं किस लीडर के याद में मनाया जाता है, तो ये यूनाइटेड नेशन जो सी है ये गांधी जी जो से हैं, महात्मा गांधी साहब जिनको अब हम कल परसों से पढ़ना शुरू करेंगे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर उनकी वजह से जो सा ये इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। फिर टीचर्स डे 5 अक्टूबर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देख लेना। इंटरनेशनल वीमेन रूलर डे, ये रिपीट हुआ है सवाल, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सा है आपका यूनाइटेड नेशन डे, जो आपका यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था जो कि जून के अंदर साइन किया गया था उसको इन्फोर्स किया गया था 24 अक्टूबर को, तो उसकी वजह से यूएन डे मनाया जाता है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वैसे भी आप सब लोगों को यूएन का याद ही होगा 24 अक्टूबर, तो ये जो सा ये भी उसका पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इसको भी कर लेना इंपॉर्टेंट है। नवंबर के जो सा है अगर हम बात करें तो हम नवंबर में हमारे पास कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉलिडेरिटी विद फलस्तीन, जैसे आजकल फलस्तीन का इशू चल रहा है तो 29 नवंबर इसको ज्यादा देख लेना, बाकी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो 25 नवंबर को मनाया जाता है, के जो सा है क्या कहते हैं 25 नवंबर का, इसको देख लेना इंपॉर्टेंट है वुमेन के हवाले से, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉलिडारिटी विद फलस्तीन देख लेना, जैसे आजकल गजा के हालात चल रहे हैं तो उसमें जो सा ये फलस्तीन वाला आप लोगों से 29 नवंबर वाला ये इंपॉर्टेंट है। दिसंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल भी इसमें से पूछे जाते हैं। एड्स डे आपका पूछा जाता है,
क्या कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी जोन से आपके स्पेशल पर्सन है, उसके बाद आपका करप्शन के खिलाफ जो डे है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन, उसके बाद ह्यूमन राइट्स डे सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे सवाल जो है ये, और माइग्रेंट्स जो सा डे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से ये चार डे हैं। और ये चार डे मैंने सबसे ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं, जो मैंने जून का बताया आपको, एक आपका एनवायरमेंटल डे, एक आपका अर्थ डे, एक आपका अर्थ डे के अलावा एक कौन सा था वाटर डे, ठीक है। उसके बाद जो सा दिसंबर में सबसे ज्यादा सवाल आपके पूछे जाते हैं, और उनमें क्या है पर्सन विद डिसेबिलिटी जोन से है आपके, करप्शन और ह्यूमन राइट्स डे, एक ह्यूमन राइट्स डे, और एक आपका थर्ड मई जो सा है जो आपका प्रेस फ्रीडम डे है, ये भी सवाल सबसे ज्यादा रिपीट बार बार किया जाता है। तो ये पांच छह सवाल हैं, ये इन पांच छह तो नहीं है, ये तो मतलब एक तरह से अगर हम देखा जाए तो हर महीने में भी अगर एवरेज चार या पांच के लगाएं तो ये हमारे पास बन जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50-60 दिन बनते हैं जो आपने महीने में याद रखना है। उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को थोड़ी सी कोशिश ये की है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर फोकस कराऊं, वरना पूछा तो कुछ भी जा सकता है, ठीक है। आप लोगों को नया पैटर्न समझ आ गई होगी, तो उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई फायदा हो जाएगा, तो इसको कर लोगे, कोई मसला तो नहीं होगा इसके अंदर। इनके अंदर कोई ऐड करना चाहो, अगर आपके जहन में कोई अभी आ रहा है या बाद में भी हो, तो मैंने आपको जब ये पीडीएफ भेजूंगा तो उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। अगर किसी के जहन में अभी भी कोई आ रहा है, उसने कोई पेपर दिया हो या उसको लग रहा हो कि सर एक और भी हो सकता है, तो क्योंकि रैंडम इधर से वो करने से बेहतर कौन सा ये चीज, ये यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताओ अगर किसी के जहन में कोई और सवाल आ रहा है इसके रिलेटेड तो वो बताओ। मैंने आपको कल भी कहा था आप लोग ब्लाइंडनेस वाला, ब्लाइंडनेस वाला 27 जनवरी का क्या, नवंबर 9 फ्रीडम डे, नहीं ना फ्रीडम डे हमारा तो नहीं है ना, फ्रीडम डे हमारा तो नहीं है ना इंटरनेशनल, वो तो यूएस का मनाया जाता है। इसी तरह वो विक्ट्री डे मनाया जाता है, जो अभी आपको मैंने मई 9 मई करवाया था, जो कि यूएसएसआर मनाता है, ठीक है। वो तो फिर मैं साथ साथ आपको करंट फेज में करवाता रहता हूँ, लेकिन वो उस तरह से नहीं। 27 जनवरी क्या है, हाँ 15 मार्च, हाँ ये शुएब शाबाश, ये ऐड, बल्कि ये तो मैंने लिखा है यहाँ ऐड कर लेना इसको, ये लाजमी, ये 15 मार्च, 15 मार्च इस्लामोफोबिया वाला जो आईसी मैंने आपको उसमें करवाया था ना, ये आपने लाजमी करना है पीडीएफ में, मैं अगर मैं भूल भी जाऊं याद करना तो ये आपने लाजमी करना है। इस 15 मार्च क्या है, ये ओआईसी और जो सा है ये यूएन ने अब क्या कर दिया है, इस्लामोफोबिया डे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 15 मार्च वाला, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इस वक्त, ये जो अभी आपको मैंने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी करवाया था, लेकिन इसको अपने डेज के अंदर लाजमी मार्च वाले सेक्शन के अंदर जाकर लाजमी इसको लिख लेना है आप लोगों ने कि 15 मार्च क्या है आपका इस्लामोफोबिया डे जो है उसको, ठीक है। और उसके अलावा कोई इस तरह का कोई और इंपॉर्टेंट हो तो वो बताओ, अगर कोई जहन में आ रहा है, वरना कोई नहीं आ रहा तो इस तरह का कोई इंपॉर्टेंट हो, वरना रैंडम आपको बहुत, फॉरेस्ट डे, फॉरेस्ट डे, फॉरेस्ट डे 21 मार्च, देख लो कर लो, ज्यादा अपने ऊपर वो करोगे। अगर फॉरेस्ट डे 21 मार्च ऐड करना है तो कर लो। नोबेल प्राइज डे, नहीं नोबेल प्राइज डे होता है आई थिंक, नहीं नोबेल प्राइज डे नहीं होता, हाँ वर्ड ब्रेल डे, ये भी पूछा गया था 4 जनवरी, इसको कर सकते हो ऐड, ये भी एफपीएससी के अंदर जो है वो पूछा गया था वर्ड ब्रेल डे। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मैंने ब्रेस्ट फीडिंग डे आप लोगों को बता दिया, और 10 दिसंबर, ठीक है कर लो, चलो ये भी कर लो। नोबेल प्राइज जो सा है ये 10 दिसंबर को आपका दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज डे उसको कर लो, वर्ड ब्रेल डे 4 जनवरी। और इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया था यार मुझे, वो एफपीएससी का रिवाइज करवाओ, सवाल कौन सा था, एक वर्ड ब्रेल डे था, एक 4 जनवरी था, एक 4th जुलाई था, 4th जुलाई वाला कौन सा था, 4th जुलाई वाला कौन सा था, 4th जुलाई का था कोई कि नहीं था, वर्ड बाईसाइकिल डे था 4th जुलाई, जो अभी एफपीएससी के अंदर एफआईए के पेपर के अंदर पूछा गया है, वर्ड बाईसाइकिल डे था आई थिंक, वर्ड बाईसाइकिल डे, मैं देख लेता हूँ वर्ड बाईसाइकिल डे, क्योंकि ये मुझे याद है कि वो 4th जुलाई था, नहीं वो तो 3rd जून है, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है आपका 3rd जून, वो तो 3rd जून है आपका, 4th जुलाई ये पूछा गया था। पॉपुलेशन डे वो तो हो गया ना हमारा, वो तो हो गया ना 11 जुलाई, ये तो पॉपुलेशन डे हमारा हो गया। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, अच्छा जी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये जरा इंटरेस्टिंग लग रहा है, 15 सितंबर, ये आपका 15 सितंबर को जो जब आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास होता है ना,
उसको कहते हैं। बस इतने बहुत हैं, बस इतने बहुत। अगर कोई और हो तो फिर आप लोग कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतना वो इशू आएगा। बाकी अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगते भी हैं, इसका मकसद यह है कि आपका एक प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे आप लोगों के, आप लोगों के अगर प्रॉपर नोट्स बन जाते हैं तो उसके अंदर अगर कोई नया सवाल आ भी जाता है अनएक्सपेक्टेड, जैसे ये वर्ल्ड ब्रेल डे था या बाईसाइकिल डे अगर आप पूछा भी गया था 3 जून, तो ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो ये मेरे ख्याल में आप लोग उसके सबके साथ ही बंदा हैंडल कर सकता है, इतना इशू नहीं होता। मर्ड मलाला डे तो ये आपका है ना 12 जुलाई, ये तो हमने कर लिया, ये मलाला डे आपका ये 12 जुलाई वर्ल्ड मलाला डे हो गया। ठीक है चलो जी, इसको फिर इसके अंदर जो मैंने बता भी दिए हैं इनको भी रिपीट कर ले, बीच में ऐड कर लेना, बाद में सुन के अभी भी साथ कर लो तो बेहतर है, बाकी फिर जो है बुक्स के ऊपर चले।